हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था, किसी भी जॉब की कोई नोटिफिकेशन, वैकेंसीज की नोटिफिकेशन, किसी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज होगी तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे उस पर वीडियो बनाएंगे, आपको नोटिफाई जरूर करेंगे। तो कंग्रेचुलेशंस, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के लिए वैकेंसीज निकाल दी है। अभी ये नोटिफिकेशन, प्रॉपर नोटिफिकेशन आई है, इसमें डिटेल्स अभी इतनी क्लियर नहीं है, बट जैसे जैसे ये नोटिफिकेशन आएगी इसमें प्रॉपर डिटेल्स आएंगे, हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। तो टोटल वैकेंसीज जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने रिलीज करी है वो है 477। तो 477 टोटल वैकेंसीज है जो कि डिवाइड की जाएंगी क्लर्क और स्टेनो टाइपिस्ट के बीच में। तो क्लर्क और स्टेनो टाइपिस्ट में टोटल 477 वैकेंसीज है। वैकेंसीज को अगर हम कैटेगरीज में और क्लर्क स्टेनोग्राफी में अगर डिवाइड करें तो जैसा आपको समझाने के लिए कि पोस्ट, क्लर्क पोस्ट में जर्नल में टोटल 162 वैकेंसीज है, एससी में 68 है, और सेम स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश में जर्नल में 23 पोस्ट है, और बाकी सारी कैटेगरीज के लिए आप यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं। अगली चीज, तो इम्पोर्टेंट डेट, किसी भी एग्जाम में आपको पता है कुछ ऐसी डेट्स होती है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी की इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम आपको यह बता सकते हैं कि इस एग्जाम के लिए जो आपके पास लास्ट डेट होगी, जिससे पहले आपको अपने जो भी आपका फॉर्म है, पेमेंट है, वो प्रोसीजर सारा खत्म करना है, वो आपके लिए होगी 21st of October। तो 21st of October से पहले आपको अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट कर देनी है इस एग्जाम के लिए। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी। तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, आप इस एग्जाम में बैठ सकें। तो पहले हम बात करते हैं क्लर्क के लिए। तो क्लर्क में आपके पास होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, और इसमें आपसे एक और चीज डिमांड की जा रही है कि आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको इसको नोट करना है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो आप अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए, क्योंकि ये एग्जाम आपसे डिमांड करेगा 35 वर्ड्स पर मिनट आपको इंग्लिश टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए क्लर्क पोजीशन के लिए। और अगर हम स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें इंग्लिश में, तो सेम बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और उसके अलावा आपको आनी चाहिए स्टेनोटाइपिंग। नेक्स्ट चीज, तो पे स्केल, आपका पे स्केल क्या होगा अगर आप इस एग्जाम के लिए अप्रोच करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपको क्या सैलरी आगे जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ग्रेड पे आपका रहेगा 3200, और जो आपकी सैलरी है एक्चुअल सैलरी वो 10,000 से लेकर 34,000 के बीच में कहीं आ सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप ये एग्जाम एक आपको अच्छी सैलरी ऑफर कर सकता है अगर आप इस एग्जाम के अप्रोच करें, इसके लिए प्रिपेयर करें। तो थैंक यू गाइस, आई होप अब तक जितनी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से 28th इस मंथ की 28th से वो न्यूज़पेपर्स में अपनी नोटिफिकेशन देना शुरू कर सकते हैं। तो आप 28th से जरूर सर्च करें, आपको किसी ना किसी न्यूज़पेपर में जरूर 28th नहीं तो आने वाले टाइम में आपको इसकी नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलेगी, जिसमें आपको एक एक डेट, सिलेबस, एक एक चीज मेंशन होगी। हमको जैसे जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आएगी, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी, हम अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना के आपसे जरूर शेयर करेंगे। फॉर नाउ थैंक यू एंड हैव अ सक्सेसफुल डे।